गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मार्च 10, 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग यहाँ पे काफी टॉपिक्स लेके आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो लिस्ट अब काफी लंबी है, तो मैंने एक्चुअली क्या किया है, एक ही टॉपिक्स में से कई सारे टॉपिक यहाँ पे निकाल दिए हैं। जैसे हमारे पास एक आर्टिकल है आज का एडिटोरियल एजुकेशन फंडिंग को लेके है, तो एजुकेशन फंडिंग में से ही मैंने कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी यहाँ पे ऐड की हैं आपके लिए, जिसको आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा हमारे पास एक निसार जो प्रोग्राम है जो इसरो नासा के साथ मिलकर कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट नोड पाइपलाइन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। स्पेस डेब्रिस को लेके भी आज हमारे पास एक एडिटोरियल है, इसके बारे में बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी के लिए नए रूल्स आए हैं, उन रूल्स के बारे में बात करेंगे। सेबी का क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या कहना है, इनके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे छोटे बड़े आर्टिकल आज हमारे पास यहाँ पे होने वाले हैं, लेकिन पहले टॉपिक के बारे में सीधा सा बात करते हैं। चलिए, तो मनी लॉन्ड्रिंग लॉज विल नाउ कवर क्रिप्टो करेंसी ट्रेड। देखिए क्या कहता है, पहले तो आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि भैया मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हो, यस, अपनी लॉन्ड्री लेके जाते हो, आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं और बाद में उस मशीन में से आप अपने कपड़ों को निकालते हो जो बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरे सफेद हो जाते हैं, मतलब जो काले कपड़े होते हैं वो सफेद हो जाते हैं। तो भाई मनी लॉन्ड्रिंग का भी ज्यादातर यूज इसीलिए किया जाता है, जो काला धन होता है ब्लैक मनी होता है उसको व्हाइट मनी में जनरेट करने के लिए किया जाता है। इसे कहते हैं पैसे की धुलाई, यानी कि पैसे की लॉन्ड्री। ठीक है, अब देखिए सरकार का यह कहना है कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसको पैसे की धुलाई यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया जाता है, तो इसीलिए किसी भी तरह की इंडिया में अगर क्रिप्टो ट्रेड हो रही है तो उसको हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत लेके आएंगे, मतलब वो पूरी तरह से इलीगल यहाँ पे हो जाएगा। अगर कोई आदमी किसी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स रखता है, देखिए वर्चुअल डिजिट एसेट का मतलब सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं होता, वर्चुअल डिजिट एसेट का एक और एग्जाम्पल होता है NFT, मतलब वर्चुअल तरीके से इंटरनेट के तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मनी अगर आप इस तरह की रखते हो तो आपको खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस हो सकता है। अगर आप इस तरह के किसी भी वर्चुअल डिजिटल करेंसी की सेफ कीपिंग करते हो, स्टोर करते हो, उसका एडमिनिस्टर करते हो, कोई एप्लीकेशन वगैरह चलाते हो, तो सबके खिलाफ जो है केस होने वाला है। सरकार भी ने भी ये कहा है टाइम टू टाइम कि क्रिप्टो करेंसी इज लाइक अ पोंजी स्कीम, इसलिए दिस इज शुड बी कम्प्लीटली डिक्लेयर्ड एज इलीगल। हालांकि हमारे देश में अभी कानून कोई है नहीं प्रॉपर क्रिप्टो करेंसी के लिए, लेकिन आरबीआई ने भी, सेबी ने भी और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसी की किसी तरह की ट्रेड को हम लोग इलीगल कंसिडर करेंगे, बट अभी कानून वगैरह कोई ऐसा चाया नहीं है। पोंजी स्कीम क्या होता है, हल्का सा आपको बता देता हूँ पोंजी स्कीम क्या होता है। पोंजी स्कीम में बेसिकली क्या होता है, एक इन्वेस्टर से पैसे लेके दूसरे इन्वेस्टर को दे दिए जाते हैं, ये बड़ा ही अजीब सा गेम होता है। देखिए मान लो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैंने एक पोंजी स्कीम चलाई, मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसे लिए और मैंने उनको ये वादा किया कि मैं आपको 50% रिटर्न के बाद पैसे लौटा दूंगा 20 दिन के बाद। जैसे अक्षय कुमार बोलते हैं ना 21 दिन में पैसा डबल, तो मैंने इनको बोला कि 21 दिन में तुम्हारा पैसा डबल कर दूंगा। दूसरी साइड में यहाँ पे दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, मैंने उनको भी सेम वादा किया कि मैं आपके 21 दिन में पैसे डबल कर दूंगा, तो मैं इनसे पैसे लूंगा और इनको पैसे दे दूंगा, इनके तो मजे आ जाएंगे भाई 21 दिन में पैसा डबल हो गया, अब इनका क्या होगा। फिर मैं किसी और इन्वेस्टर को पकड़ूंगा, उनको भी सेम वादा करूंगा 21 दिन में पैसा डबल, तो फिर मैं उन तीसरे वालों को पैसा दे दूंगा। मतलब इसमें ये होता है कि एक इन्वेस्टर से पैसा लेके आप दूसरे इन्वेस्टर को देते रहते हो और इसको बोलते हैं पोंजी स्कीम। आखिर में क्या होता है, जब और फालतू के इन्वेस्टर्स नहीं बचते हैं तो आप जो है वो ये बैंकरप्ट हो जाते हो, आप किसी को पैसे वापस नहीं कर पाते हो, इस तरह की स्कीम को पोंजी स्कीम कहते हैं। सेबी का ये कहना है, आरबी का ये कहना है कि भाई ये जो क्रिप्टो करेंसी वाली पूरी स्कीम होती है इट्स लाइक अ पोंजी स्कीम, ठीक है, इसलिए हम इसको लीगल डिक्लेयर करते हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा, तो पूरी चीज यहाँ पे जो है वो चल रही है। बाकी इसके बारे में यही था, ये एक पुराना आर्टिकल है, जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो व्हाट इज सेबीज कंसर्न अराउंड द क्रिप्टो करेंसी। ये बहुत पुराना आर्टिकल है, मुझे आज पता नहीं गलती से कहां से मिल गया, तो आई थॉट आपके लिए कंटेंट यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए व्हाट आर द क्रिप्टो एसेट्स, आपको बहुत अच्छे से पता है क्रिप्टो करेंसी वगैरह NFT वो सब क्रिप्टो एसेट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने एसेट वर्ड का यूज किया है दोस्तों, करेंसी वर्ड का यूज नहीं किया है। जो पैसा हम लोग अपने हाथ में रखते हैं, हम लोग सिक्के कॉइन हमें हाथ में रखते हैं, इसे फिएट करेंसी कहते हैं। करेंसी का मतलब ये होता है कि करेंसी के साथ आप किसी भी चीज को भी एक्सचेंज कर सकते हो, है ना, उससे गाड़ी खरीद सकते हो, समोसे खा सकते हो, बुक्स खरीद सकते हो, वो एक प्रॉपर करेंसी होती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्रिप्टो एक एसेट है, क्रिप्टो के बदले में आप कुछ गाड़ी वगैरह नहीं खरीद पाओगे,
ये एक एसेट होता है, जैसे हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमारे शेयर्स होते हैं, वो भी तो एसेट ही होते हैं ना। जैसे आपकी जो बिल्डिंग होती है, आपकी गाड़ी होती है, वो एक एसेट होता है। इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट लाइक अ करेंसी। तो उसे कहते हैं क्रिप्टो एसेट। व्हाट आर द सेबी'स कंसर्न्स अराउंड द क्रिप्टो एसेट? सेबी का ये कहना है कि भाई क्रिप्टो करेंसी के लिए ना बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं और कोई रेगुलेटर प्रॉपर तरीके से है भी नहीं, तो उसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है। इससे जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो जो है वो इम्पैक्ट होते हैं। बहुत बार हमारे कंज्यूमर्स को जो है फालतू के सपने दिखाए जाते हैं, आ क्रिप्टो करेंसी खरीद लोगे, करोड़ों का बेनिफिट होगा, ये होगा, फलाना ढिमकाना, लेकिन बाद में कुछ होता है नहीं। ठीक है, क्रिप्टो की क्लासिफिकेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है क्योंकि क्रिप्टो पूरी तरह से लीगल है नहीं, तो बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पे है ना। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट भी होता है, आपने देखा ही होगा कितने सारे लोग जो सेलिब्रिटीज हैं भैया एडवर्टीजमेंट करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो उसके चक्कर में आके जो उनके फैंस होते हैं वो भी क्रिप्टो करेंसी खरीद लेते हैं, तो बेचारे लूट जाते हैं। अरे यार सेलिब्रिटी को तो पैसा मिल रहा है ना ऐड करने का, उनको पैसा मिल रहा है, अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं उसको खरीद के पागल बन के, तो वो थोड़ा सा है अपना दिमाग लगाना चाहिए, सेलिब्रिटीज के भरोसे बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए अपने को। ठीक है, चलिए। व्हाट डिड द आरबीआई टेल द कमिटी? आरबीआई ने तो यही कहा है कि भाई इट कैन लीड टू डॉलराइजेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ज्यादातर जो डील होती है वो डॉलर के अंदर होती है, तो अगर इंडिया में ज्यादातर लोग क्रिप्टो करेंसी का यूज करने लगेंगे मतलब डॉलर का इन्फ्लुएंस इंडिया में बढ़ जाएगा, इससे हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है मतलब हमारा जो रुपी है उसकी वजह से हमारे रुपी की वैल्यू काफी डाउन जा सकती है इन द फ्यूचर, ये कहा है आरबीआई ने। बट हैज बीन द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट, देख गवर्नमेंट ने तो बार बार यही कहा है कि भाई क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, इलीगल है, इलीगल है। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब तक आप कोई प्रॉपर तरीके से कानून नहीं लेके आते हैं तब तक हम लोग क्रिप्टो करेंसी को लीगल ही मानेंगे, ऐसा तब कोर्ट ने कहा था। बट एनीवेज चलिए, नासा हैंड्स ओवर निसार सैटेलाइट टू इसरो। देखिए इसरो और नासा के बीच में बहुत जबरदस्त कोलैबोरेशन हुआ है ये। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक निसार नाम का एक प्रोग्राम, एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे ऑर्बिट के अंदर। ये जो हम लोग भेजने वाले हैं वो एक्चुअली लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर रहेगा, LEO जिसको बोलते हैं, लियो बोलते हैं। आपको बताऊंगा मैं ऑर्बिट वगैरह क्या होता है, फिलहाल इतना समझ लो कि निसार एक प्रोग्राम भी है। इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा, इसरो और निसार इसको लॉन्च करेंगे। हालांकि इसका आइडिया तो 2018 में ही आ गया था, अभी 2023 में इसको लॉन्च करने का प्लान था, शायद अभी थोड़ा सा आगे 2024 तक खींच गया है, हल्का सा एक्सटेंड हो गया है। कोविड वगैरह अगर नहीं होता तो 2023 में हो जाता। इसमें करना क्या हम लोगों को पता है, ये जो सैटेलाइट है वो 12 डेज तक कॉन्टिन्यूसली लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ट्रेवल करेगा, और ट्रेवल करने के बाद हमारी अर्थ की पूरी तरह से डिटेल मैपिंग करेगा। ठीक है, क्या करेगा, मैपिंग करेगा। जिस कैसे यार, देखिए अर्थ ना बहुत डायनेमिक प्लेनेट है, हर समय अर्थ के ऊपर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, कहीं अर्थक्वेक आता है, कहीं सुनामी आती है, कहीं वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, कहीं लैंडस्लाइड होता है, कहीं ग्राउंड वाटर चेंज हो जाता है, सी लेवल चेंज हो जाता है, वेजिटेशन चेंज हो जाती है, बहुत ही डायनेमिक सा हमारा इकोसिस्टम है। तो इसकी पूरे की मैपिंग करने के लिए, इन डेप्थ थ्री डायमेंशनल मैपिंग करने के लिए ये निसार मिशन इंडिया ने और इसरो ने एक साथ मिलकर चलाया है। इसके लिए जो सैटेलाइट प्रोवाइड करवाया जाएगा वो करवाया जाएगा नासा के द्वारा, इसलिए जो लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड करवाया जाएगा वो करवाया जाएगा इसरो के द्वारा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बड़ी ही एक इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ोगे, एक टेक्नोलॉजी का इसमें मेंशन किया गया है जिसे कहा गया है स्वीट SWEEP. ठीक है, इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। SAR का मतलब होता है सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये बड़े ही एक इंटरेस्टिंग तरीके से और स्टेट ऑफ द आर्ट टाइप के रडार होते हैं जो हाई रेजोल्यूशन इमेज वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं हमारे सैटेलाइट वगैरह के अंदर। इसके बारे में थोड़ा आपको पढ़ना है ना स्वीप SAR के बारे में, तो ये जो निसार वाला लिंक दिया हुआ है PDF में आपकी, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसकी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, आप थोड़ा सा इसको जो है पढ़ सकते हो। कहां इसमें एक्सरे यूज की जाती है, माइक्रोवेव्स वगैरह यूज की जाती है, और एक बहुत ही बढ़िया 2D डायमेंशनल और 3D डायमेंशनल पिक्चर क्रिएट की जाती है रियल टाइम में। इसके अंदर एक रिसीवर होता है, एक रिसेप्टर होता है, तो दोनों जो है अलग अलग तरह के सिग्नल्स भेजते हैं। वो टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, ज्यादा फिजिक्स हो जाएगी, बट अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ये जो निसार वाला ऊपर आपको लिंक दिया हुआ है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए, ये एक ऐसे ही छोटा सा आर्टिकल है, इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम टू ऑल्टर फ्यूचर ऑफ द डिसीज मैनेजमेंट। देखिए थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, मैं थोड़ा बीमार हो गया था और मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मुझे दवाई दी और डॉक्टर ने दवाई देने के साथ साथ मुझे ये कहा कि बेटा तुम्हें दवा की भी जरूरत है और साथ के साथ तुम्हें
दुआ की भी, मतलब दुआ तो ऑफकोर्स होती ही है। उन्होंने कहा कि बेटा आपको मेडिसिन लेने के साथ साथ आपको योगा भी करना चाहिए अगर आपको ज्यादा जल्दी से ठीक होना है तो। उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने कहा चल ठीक है सर, आपने दवाई दे दी है तो इसे आराम मिल जाएगा, मुझे योगा करके एक घंटा देने की रोज क्या रिक्वायरमेंट। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मेडिसिन अपना काम करेगी, अगर आप साथ के साथ योगा करोगे ना तो आपको उस दवाई का बेनिफिट बहुत फास्ट मिलेगा और आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे। तो इस सिस्टम को कहा जाता है इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या करते हैं अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के साथ, जैसे हमारा आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, चाइनीज मेडिसिन जो होती हैं, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन, उनके साथ साथ अगर आप मॉडर्न होम्योपैथी को भी कंबाइन करोगे तो आपको बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हो। ठीक है, ये आपने बस ध्यान रखना है, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम। और ये मैं नहीं कह रहा हूं और ना ही कोई हमारे इंडियन मेडिसिन वाले कह रहे हैं, नहीं भैया, अभी एक अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, इन्होंने कई सालों की रिसर्च के बाद अभी एक पेपर पब्लिश किया है, जिस पेपर में इन्होंने ये कहा है कि एक्चुअली में जो हमारी रेगुलर मेडिसिन होती हैं उसके साथ अगर हम लोग योगा करवाते हैं तो बहुत जल्दी बेनिफिट मिलता है, खासकर जो दिल के पेशेंट होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनको बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। ऐसा जो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने कहा है बहुत साल की रिसर्च के बाद। हम तो पहले से कह रहे हैं योगा का बेनिफिट होता है, योगा करिए, योगा करिए, और अल्टीमेटली पूरी दुनिया ने मान भी लिया है कि योगा को बेनिफिट होता है। अभी आपको मैं बताता चलूं कि सऊदी अरेबिया ने भी बहुत जल्दी अपने स्कूल्स और कॉलेज में योगा को कंपल्सरी करने वाले हैं। सऊदी अरेबिया, बहुत सारे अमेरिका के अंदर तो बहुत सारे स्कूल्स के अंदर हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे स्कूल्स के अंदर योगा वो कंपल्सरी हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ योगा की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पे और भी ट्रेडिशनल जो मेडिसिन होती हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें योगा तो सिर्फ एक है। योगा के साथ साथ आप यहाँ पे आयुर्वेदा मान के चलिए, ठीक है, चाइनीज जो मेडिसिन सिस्टम होता है आप उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करके चलिए, मेडिटेशन को आप यहाँ पे इंक्लूड करिए, हर्बल मेडिसिन को इंक्लूड करिए, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हो गए, मूवमेंट थेरेपीज हो गई, माइंड बॉडी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, आयुर्वेदा योगा तो खैर है ही, जितने भी हमारे ट्रेडिशनल जो तरीके हैं उनके साथ साथ अगर हम लोग उन्हें रेगुलर दवाइयों का सेवन करते रहेंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। 2012 में एम्स ने इस प्रोग्राम को चलाया था, 10 साल से ज्यादा हो गए हैं इस रिसर्च को करते हुए, जिसमें एम्स के अंदर 19 डिपार्टमेंट्स, देखिए 2012 की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, 19 डिपार्टमेंट्स, इसमें कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, पुल्मोनोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, साइकियाट्री, ये सब डिपार्टमेंट मिलके रिसर्च कर रहे हैं। अभी रिसर्च का आउटकम आया नहीं है, 10 साल से ज्यादा हो गए हैं रिसर्च करते हुए, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट आ रही है वो यही कह रही है कि अगर हम लोग अपनी होम्योपैथी के साथ साथ या रेगुलर दवाइयों का भी, मतलब रेगुलर जो मेथड है, अगर ये भी यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट अपने को हो जाता है। तो अभी क्या करिए, थोड़ा बहुत योगा, मैं ज्यादा योगा नहीं करता, जिम वगैरह में ज्यादा बिलीव रखता हूँ, बट यस कभी कभी योगा करता हूँ तो बड़ा अच्छा भी लगता है। चलिए, सैबोटेज ऑफ द नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन नॉट आवर एक्टिविटी, यूक्रेन ने कहा है। आपको बताता चलूं कि नोड वन और नोड टू क्या होता है, फिर इसके मुद्दे के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हो जो आपके राइट हैंड में है, यहाँ पे आप ये देखिए इस तरफ करके सेंट पीटर्सबर्ग, और इससे भी आगे पाइपलाइन जा रही है, और यहाँ पे देखिए जो है ग्रीफ्स वॉक करके नाम एक जगह है जर्मनी के अंदर। तो बात यह है कि रशिया से बाल्टिक सी के थ्रू होते हुए एक पाइपलाइन बिछाई गई थी, ये अंडर सी पाइपलाइन है और इसको कहा जाता है नोड टू। नोड टू पाइपलाइन 2021 में बनके तैयार हो गई थी और बहुत जल्दी फंक्शनिंग करने वाली थी। एक और पाइपलाइन भी हमारे पास यहाँ पे नोड वन जिसको कहा जाता है, नोड वन पाइपलाइन जो है वो 2011 से काम कर रही है, लेकिन भाई ऐसा है कि यूरोप के अंदर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम थी, तो इन्होंने एक और पाइपलाइन बनवा दिया रशिया से, खासकर जर्मनी, ठीक है, तो ये पूरा मामला बना। अब दिक्कत ये हुई कि नोड टू जो पाइपलाइन थी इसके अंदर यहाँ पे कुछ ब्लास्ट हो गए थे रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। रशिया का ये कहना है कि ये जो ब्लास्ट है वो जानबूझ के यूक्रेन की किसी एजेंसी ने करवाए हैं ताकि रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए और वो ब्लैकमेल कर सके यूरोप को। यूक्रेन ने कहा कि नहीं ये सब फालतू बकवास है, ये जानबूझ के रशिया की किसी एजेंसी ने करवाया, नो दैट। तो उसी के मामले में जो है यूक्रेन ने ये बात बोली है। थोड़ा सा आपको रशिया यूक्रेन नोट टू वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम में थोड़ा बहुत आपसे पूछ सकता है, क्योंकि दीज आर द सम प्लेसेस विच आर रिसेंटली न्यूज, तो इस तरह के प्लेसेस के ऊपर जो है यूपीएससी हमेशा नजर रखता है। तो नोड स्ट्रीम वन,
ये देखिए आपने नाम याद रखना है, वियोबोर्ग इन द लेनिनग्राड जो कि रशिया के अंदर पड़ता है, टू द लुमिन नियर ग्रीसवॉल्ड, ग्रीसवॉल्ड जो है जर्मनी के अंदर पड़ता है, इसके अंदर एक छोटा सा शहर है इसके पास में लुमिन करके, वहां से पाइपलाइन आने वाली थी। नोर्ड स्ट्रीम टू कहां से कहां आती, उस्तलुगा, ये रशिया के अंदर पड़ता है एक जगह उस्तलुगा, और ये आनी थी लुमिन तक जो कि पहले से ऑलरेडी चली रही है, इन दोनों के बीच में आनी चाहिए थी बट वो आई नहीं। ठीक है, दिस इज नोर्ड स्ट्रीम इज द लॉन्गेस्ट सी सब सी पाइपलाइन। ठीक है, ये गैस गैस वगैरह उधर से आती है जो रशिया से, वो सब जो है इसके द्वारा किया जाता है। अमेरिका तो बहुत पहले से ही मना कर रहा था यूरोप को कि आप नोड ये मत बनवाइए, इसकी वजह से रशिया आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, लेकिन जर्मनी माना नहीं, उन्होंने ये सब कर डाला। लेकिन इतना सारा खर्चा करने के बाद 10-12 बिलियन, बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ, मिलियन की नहीं, 10-12 बिलियन डॉलर खर्चा करने के बाद भी ये पाइपलाइन नहीं चल पाई, क्योंकि इसको क्लियरेंस नहीं मिला, क्योंकि बाद में रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, जर्मनी ने बोला भाई खर्चा हो गया तो हो गया, अभी मैं इसको एक्टिवेट नहीं करूंगा, तो ये पूरा मामला बनता है। चलिए एक एडिटोरियल हमारे पास आता है, कहते हैं भैया स्मॉल डेबरी, देखिए DEBRIS इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो डेबरी होती है, ठीक है, आईएस जो है इसमें साइलेंट होता है। स्मॉल डेबरी ऑर्बिटिंग अर्थ पोज थ्रेट टू द स्पेस एसेट्स, स्पेस एसेट मतलब जो सैटेलाइट वगैरह हम लोग लॉन्च करते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं, स्पेस एसेट्स। तो इतना सारा कचरा हो गया है स्पेस के अंदर कि हमारे स्पेस एसेट्स को उसकी वजह से थ्रेट हो गया है, दुनिया भर का कचरा हम लोगों ने वहां पे फैला दिया है। कचरा फैलाने में तो इंसान खैर नंबर वन है ही, ये जो दिक्कत है ना वो ज्यादातर लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर होती है। लो अर्थ ऑर्बिट वो ऑर्बिट होते हैं जिनकी हाइट 2000 किलोमीटर या उससे कम होती है, लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं। जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट होते हैं उनकी हाइट जो है वो 10,000 किलोमीटर के लगभग होती है, जो हाई अर्थ ऑर्बिट होते हैं उनकी जो है वो 36,000 किलोमीटर के लगभग होती है, एग्जैक्ट बताऊं तो 35,800 किलोमीटर, इतने पे जो है हाई अर्थ ऑर्बिट होते हैं, वहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत है लो अर्थ ऑर्बिट में। तो बात यह है कि न्यूज में इसलिए है ये क्योंकि 2 दिन पहले मतलब आज तो 9 तारीख होगी, परसों की बात है, ये एक इंडियन इसरो का एक सैटेलाइट था जो कि 10-12 साल पहले हम लोगों ने वहां पे भेजा था, जिसका नाम था मेघा ट्रोपिक्स 1, MT1 इसको बोलते हैं, इसने वापस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रीएंट्री किया और ये पैसिफिक ओशन में जाके गिरेगा। ये कंट्रोल्ड एंट्री होती है, देखिए एक होती है कंट्रोल्ड एंट्री, एक होती है अनकंट्रोल्ड एंट्री। अनकंट्रोल्ड एंट्री में वो जो सैटेलाइट के जो बचे हुए हिस्से होते हैं वो अपनी मर्जी से कहीं भी गिर सकते हैं, कंट्रोल्ड एंट्री में हम लोग जानबूझ के उसको किसी टारगेट पे गिरवाते हैं, ऑब्वियसली हम लोग किसी शहर के ऊपर तो नहीं गिराएंगे, उसे किसी ओशन वगैरह बॉडी के अंदर जो है गिराया जाता है, ये होती है कंट्रोल्ड एंट्री। तो ये जो है हमारे इसरो ने बड़े शानदार तरीके से किया है। ये जो मेघा ट्रिपोक्स MT1 की बात मैं कर रहा हूं, इसको भेजा गया था क्लाउड्स वगैरह को, उनके करेक्टर को स्टडी करने के लिए क्लाउड को भेजा गया था ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट वगैरह नहीं, पोलर नहीं, ट्रॉपिकल, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे ये, ठीक है, ये सब किया गया था। तो अभी क्या हुआ, इतना सारा कचरा हो गया है तो यूएस की स्पेस जो कमांड है उसने 8 प्रिंसिपल बताए हैं, 8 प्रिंसिपल्स जिनको फॉलो किया जाना चाहिए फ्यूचर में, ताकि जो ये डेबरी है, जो कचरा है, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जा सके, ये उन्होंने कहा है। देखिए 2022 के अगर मैं आपको डेटा बताऊं एज पर दिस आर्टिकल, वो कहता है कि स्पेस के अंदर देर आर मोर देन 2160 ऑब्जेक्ट, छोटे बड़े ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस के अंदर घूम रहे हैं। 2021 में के कंपैरिजन में देर आर 300 मोर कचरा डेबरी, 2020 के कंपैरिजन में देर आर 900 मोर कचरा डेबरी, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा के हो सकते हैं, इसे कचरा कहते हैं। ठीक है, 2023 में आपको पता है कि दुनिया में कितने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, 10,000 छोटे बड़े छोटके छोटके मिला के, ठीक है 10,000 बनते हैं भैया। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कचरे की संख्या है ना बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैं आपको बताता चलूं, 2007 में चाइना ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसे कहा जाता है एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट। इन्होंने क्या किया था, अपने बहुत बड़े सैटेलाइट को मिसाइल से हिट करवाया था, उसके कचरे के 14,000 टुकड़े आज भी स्पेस के अंदर भटक रहे हैं। इंडिया भी ज्यादा पीछे नहीं है, इंडिया ने भी 2019 में एक एंटी सैटेलाइट जो है वो मिसाइल टेस्ट किया था,
उसके टुकड़े भी आज भी घूम रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। हालांकि इंडिया वाला जो टेस्ट था वो बहुत इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये आपको इस डेटा से ही पता चल जाएगा। स्पेस के अंदर जितना भी कचरा है उसमें से 35% उस सोवियत यूनियन या रशिया के द्वारा ओरिजिनेट किया गया है। 31% जो कचरा है वो अमेरिका की देन है। 29% जो कचरा है भैया वो चाइना की मेहरबानी है। और इंडिया सिर्फ 0.5% कंट्रीब्यूट करता है स्पेस डेबरी के अंदर। तो वैसे तो हमारा परसेंटेज काफी कम है ही, बट स्टिल जितना भी है वो तो हमें कंसर्न होना ही चाहिए। तो ये कुछ कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे बोली हैं स्पेस डेबरी के बारे में, ठीक है। चलिए ऑर्बिट के बारे में आपको बता दूं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ऑर्बिट हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इंक्लिनेशन के हिसाब से भी होता है। इक्वेटोरियल ऑर्बिट जो कि इक्वेटर के चारों तरफ घूमता है, पोलर ऑर्बिट जो हमारे नॉर्थ साउथ पोल की तरफ से घूमता है, इंक्लाइंड ऑर्बिट जो कि एंगल से घूमता है, ऐसे हमारे पास शेप की शेप भी होती है। एक सर्कुलर ऑर्बिट होता है बिल्कुल जो सर्कुलर घूमता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है जैसे हमारी जो अर्थ होती है वो सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्डर में घूमती है, ठीक है, इस तरह से भी रहता है। उसके बाद ऑल्टीट्यूड के हिसाब से भी होता है। 2000 के तक जो है लो अर्थ ऑर्बिट, 10,000 तक जो है वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और 36,000 तक वो हमारा जो है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट यानी कि हाई अर्थ ऑर्बिट होता है, ठीक है। ये थोड़ा पॉइंट है, इसमें होना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो आती है बजट के बारे में। बहुत कुछ बोला गया है आज, क्या बोला गया बताता चलता हूँ। देखिए अब ऐसे हम लोग ये बात कई बार कर चुके हैं पहले भी। बजट 2023 इज अ केस ऑफ एजुकेशन टेकिंग अ हिट। मतलब भैया एजुकेशन सेक्टर की वाट लग गई है बजट 2023 में। कैसे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो दो एक्सपर्ट यहाँ पे हैं, ठीक है, मिस्टर फारूक कुमार और मिस्टर नवनीत शर्मा जी, ये दोनों कह रहे हैं, ठीक है। ये इन्होंने रिसर्च वगैरह कुछ किया होगा इसके बारे में, बता रहे हैं। देखिए क्या कहना है इनका, इनका ये कहना है कि साहब जो एजुकेशन का बजट है इस साल का वो है 112,000 करोड़ रुपए। पिछले साल ये था 104,000 करोड़ रुपए, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में ये 8,000 करोड़ ज्यादा है। दिखने में तो आपको लग रहा होगा बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर काफी झोल है। क्या है वो आपको मैं बताता चलता हूँ। अकॉर्डिंग टू दीज टू एक्सपर्ट्स अलग अलग चीजों के बारे में उन्होंने बात की है, स्कूल लेवल पे भी बात की है और हायर एजुकेशन लेवल पे भी बात की है। स्कूल एजुकेशन पे इन्होंने ये कहना है कि स्कूल सेक्टर को 68,804 करोड़ रुपीज वह अलॉट किए गए। पिछले साल ये 63,000 करोड़ के आसपास था। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग आप ये मान लीजिए 4 से 5 हजार करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हो गए। दिखने में तो बढ़िया अच्छी बात लग रही है कि चलो स्कूल सेक्टर में इतना पैसा आया, लेकिन अगर हम इसके थोड़ा सा अंदर जाके देखें ध्यान से, तो ये पैसा अलॉट क्यों किया गया एक्स्ट्रा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एकलव्य मॉडल स्कूल लॉन्च किए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो अगर इस बजट को देखा जाए, ये जो मोस्टली जो एक्स्ट्रा बढ़ाया हुआ बजट है वो एकलव्य मॉडल स्कूल की कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। अब सरकार ने ये भी बोला था कि हम लोग 10,000 से ज्यादा जो है स्कूल टीचर को भी हायर करेंगे, स्टाफ को हायर करेंगे एंड ऑल दैट, राइट। तो मोस्टली पैसा वहां चला जाएगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल हैं इंडिया में भैया उनको तो पैसा नहीं मिला ना। बजट में जो एक्स्ट्रा पैसा है वो एकलव्य को दिया गया है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल को अपने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया, इवन उनका बजट कम हो गया है। अगर आपको मैं बताता चलो, इंडिया में इस समय जो है 15 लाख स्कूल है टोटल मिला के, जिसमें से 10 लाख स्कूल जो है वो सरकारी हैं, 5 लाख स्कूल जो है वो प्राइवेट हैं, और 26 करोड़ बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में आते हैं। 97 लाख टीचर्स वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करते हैं। तो स्कूल सेक्टर की तो बात ऐसी है। अगर हायर एजुकेशन की बात करें, हायर एजुकेशन का जो बजट है वो पिछले साल जो है 40,000 करोड़ के लगभग था, इस बार उसको बढ़ा के 44,000 के आसपास कर दिया गया है। दिखने में लग रहा है कि चलो 4-5 हजार करोड़ रुपए सरकार ने बढ़ा दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इसके बीच में भी जो है कुछ गड़बड़ घोटाला है। देखिए सरकार ने प्रोजेक्ट चलाया था वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने का, जिसका बजट सरकार ने अलॉट किया था 1700 करोड़ रुपीज, उसको घटा के 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मतलब 200 करोड़ रुपए यहाँ से सरकार ने हटा दिए हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। आगे ड्रास्टिक रिडक्शन कहाँ पे हुई। एक स्कॉलरशिप स्कीम हुआ करती थी जम्मू कश्मीर के बच्चों को, उस स्कीम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।
उस स्कॉलरशिप स्कीम को मर्ज कर दिया गया है विद अ न्यू स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन, PMUSP इसको बोला जाता है। इस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे अपने PDF में तो आपको इस स्कीम के बारे में पूरा ओपन हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आप जाके पढ़ सकते हो। इसमें बेसिकली क्या रहता है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन मास्टर्स या PhD वगैरह में एडमिशन लेते हैं उनको पर मंथ या ईयरली जो है कुछ पैसा दिया जाता है एज ए स्कॉलरशिप के तौर पर, हॉस्टल वगैरह की फीस वगैरह दी जाती है, वो थोड़ा इसके अंदर आप जाके पढ़ सकते हो। तो सरकार ने जो पहले स्कॉलरशिप वाली स्कीम थी उसको खत्म कर दिया। चलिए, स्टार्टअप इंडिया जो इनिशिएटिव लिया गया था हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, इसके पैसा जो सरकार ने पिछले पहले दिया था वो दैट वाज 60 करोड़ रुपीज, इसको घटा के जो है सरकार ने सिर्फ 11 करोड़ रुपए कर दिया है। ऐसी और भी कई सारी स्कीम है जैसे ई शोध सिंधु, ये एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का प्रोग्राम था, इसकी फंडिंग को भी सरकार ने कम कर दिया है। तो अगर आप बेसिकली तौर पे देखें, ये जो पूरा आर्टिकल दिया गया है पूरा डेटा बेस्ड है, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट वगैरह है नहीं, बट कुछ स्कीम इसके अंदर मेंशन की गई हैं तो वो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने बनाया था। ई शोध सिंधु, ठीक है, आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो पूरी स्कीम के बारे में, लेकिन आपके इतना ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली तीन ऑर्गेनाइजेशन है जिनके कॉम्बिनेशन से ये बनेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है UGC इंफोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, एक है NLIST और एक है IndusAICTE। ये लोग क्या करने वाले हैं, इसमें एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे जिसमें आपको कुछ भी अगर पढ़ना है तो वहां से लाइब्रेरी को जाके आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम है, इसका कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव वगैरह भी यहाँ पे दिए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में मैंने आपको बताया कि सरकार ओपन अप करने वाली है बहुत सारे स्कूलों को। ठीक है, ये बेसिकली जो स्कूल है एकलव्य मॉडल स्कूल, ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, 1978 में आया था। इसमें क्या रहता है, जो हमारे देश में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनके अंदर ये स्कूल ओपन किए जाते हैं। ये रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, मतलब हॉस्टल वगैरह दिया जाता है बच्चों को। एक स्कूल के अंदर 480 बच्चे जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये स्कूल आपके 6th स्टैंडर्ड से लेकर जो है 12th स्टैंडर्ड तक होते हैं। तो सरकार ने अभी जो है इसको थोड़ा अपडेट करने की कोशिश की है कि अभी और हम ज्यादा स्कूल बनाएंगे और पैसा वैसा जो है यहाँ पे अलॉट करेंगे। तो ये पुराना कंटेंट है, इसको तो आप पढ़ी लिया होगा आपने। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग जो एजेंसी है हेफा, इसका बजट भी सरकार ने जो है कट कर दिया है। ठीक है, थोड़ा हेफा के बारे में भी आप जो है डेफिनेटली जाके यहाँ पे पढ़ें। इसमें क्या रहता है कि जो हमारे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे IIM हो गया, IITs हो गया, NITs वगैरह हो गया, सरकार इनको पैसा देती है, फंडिंग देती है ताकि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, बड़े क्लासरूम बना सकें, लेबोरेटरी वगैरह बना सकें, इनोवेशन वगैरह हो सके, वो सब करती है। लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये एक लोन के तौर पर होता है और ये एक इंस्टीट्यूट जो है जो बाद में उनकी सैलरी वगैरह आती है, इनकम आती है फीस वगैरह से, रिसर्च वगैरह से इनकी जो इनकम होती है उससे सरकार को ये पैसा पे कर सकते हैं विद वेरी फ्यू इंटरेस्ट रेट। तो ये कुछ हेफा के बारे में भी इस आर्टिकल के अंदर बताया गया था, तो आई थॉट के आपको हेफा के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। चलिए जी, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने सब कुछ मेरे ख्याल से डिस्कस कर ही लिया है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में किया हम लोगों ने डिस्कस, सेबी का थोड़ा आइडिया हम लोगों ने ले लिया है, निसार, सेबी वाला आर्टिकल पुराना था तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में गया नहीं हूँ, ये 2-3 महीने पहले हम लोगों ने अच्छे से किया था। निसार के बारे में यू नो समथिंग नाउ, ठीक है, क्या है क्या नहीं है ये हम लोगों ने थोड़ा देख लिया। नोड पाइपलाइन के बारे में, स्पेस डेबरी, एजुकेशन फंडिंग और कुछ स्कीम्स वगैरह हम लोगों ने देख लिया है। तो बच्चों आज के बारे में इतना ही था और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को बताएं हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।